सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण, और आज का जो टॉपिक है दैट इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं जब मैं किसी को डाइट प्लान देता हूँ, या मैं किसी को लाइव में कोई बात बताता हूँ कि आप फैट लॉस के टाइम पे ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है कि सर, जब भी आप हमें डाइट प्लान देते हैं तो उसमें आप फैट्स का कंटेंट 20-30% ही क्यों रखते हैं, आप फैट्स को बढ़ाते क्यों नहीं? तो मैंने अभी रिसेंटली भी हमारा लाइव चल रहा था तो उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि जब भी आप फैट लॉस करते हो तो अपने फैट लॉस के टाइम पे अपना फैट्स का कंटेंट कम रखो। फैट्स इन द सेंस जो गुड फैट आप इंटेक करते हो, जैसे आप कहते हो हम आलमंड्स यूज़ कर रहे हैं, हम कैश्यूज यूज़ कर रहे हैं, हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से गुड फैट्स जो आप पीनट बटर कर रहे हो। देखो, इसका एक रीज़न बहुत सिंपल सा होता है, हम बहुत सिंपली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप आलमंड्स यूज़ कर रहे हो या कोई भी गुड फैट्स का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे लिए कैलोरीज मैटर करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप फैट लॉस में हो, आपका 2000 या 1800 आप का डाइट चार्ट पे आप कैलोरीज इंटेक कर रहे हो, उसके साथ में आपने अपनी एक्स्ट्रा अपने फॉर कि अपने आपको ये देखने के लिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आलमंड्स ही हैं, इसका बादाम ही है, 10 बादाम मैं खा भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि कैलरीज आप 2000 कैलरीज आपने इंटेक करनी है। अब 1 ग्राम ऑफ योर फैट विल हैव 9 कैलरीज। अब यहाँ पे अगर आप 1 ग्राम फैट में 9 कैलरीज हैं और अगर आप 100 ग्राम अपने बादाम खा रहे हो या कोई भी इस तरह का ड्राई फ्रूट खा रहे हो तो 900 कैलरीज आप डायरेक्टली कंज्यूम करोगे। अब उसके बाद आपके पास बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 1100 कैलरीज। 1100 कैलरीज को अगर आप 4-5 मिनट में डिवाइड करते हो तो आपको कुछ भी प्रॉपर वे में आप खा नहीं पाओगे, आपको भूख बार बार लगती रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर हम प्रोटीन और कार्ब्स की बात करें तो उसका 1 ग्राम जो होता है दैट टेक्स अराउंड 4 कैलरीज। ठीक है, यही एक मेन रीजन होता है जब हम आपका टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि आपके अंदर लीन बॉडी मास कितना है, आपको प्रोटीन कंटेंट कितना चाहिए और आपका TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, और या हम आपको डेफिशिट में लेके जा रहे हैं, 10% डेफिशिट कर रहे हैं, तो उसके अंदर से जब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम लोग फैट्स को जो है वो 20% to 25% अलग कर देते हैं ताकि फैट्स से ज़्यादा आपको कैलोरीज ना मिले। क्योंकि देखो, फैट्स का इंटेक करने के बाद आपको भूख तो दोबारा लगी जाएगी। अगर आप 10-15 बादाम खाते हो तो भूख आपको दोबारा बहुत जल्दी लग जाएगी, लेकिन आपकी कैलोरीज ऑलरेडी अप चलेगी। तो आप करना चाहते हो अपना फैट लॉस करना चाहते हो और फैट लॉस के टाइम के ऊपर आपकी कैलरीज अब चलेगी, जो टोटल गेम है वो कैलरीज इनटेक और कैलरीज बर्निंग का है। ठीक है, आप उतनी कैलरीज बर्निंग कर पा रहे, आपका बाकी रूटीन सेम है, बस आपने क्या किया है, आपने ड्राई फ्रूट्स या गुड फैट्स ऐड करके अपनी कैलरीज इनटेक बढ़ा लिया है। दिस इज द रीजन कि जब हम आपको बोलते हैं कि आप कैलरीज इनटेक इस हिसाब से करो कि आपकी जो टोटल कैलरीज बर्निंग है और टोटल कैलरीज इनटेक है इसके अंदर डिफरेंस हो, आपकी बर्निंग कैलरीज जो आपकी बॉडी बर्न कर रही है कैलरीज वो ज़्यादा हो। जब आप कोई भी बॉडी के अंदर फूड इनटेक करते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स, हर फूड की एक थर्मोजेनिक नेचर होती है। थर्मोजेनिक नेचर का मतलब होता है कि थोड़ी सी हीट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है उस फूड को पचाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बोले उस फूड को प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है जिसके अंदर थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। सो वो जो हीट है वो भी आपकी मतलब कि जब बॉडी वर्क कर रही है एक तरह की आपकी कैलरीज बर्न हो रही है, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है। सो वो थर्मोजेनिक इफेक्ट जो होता है वो इतना आपको एग्जैक्ट, जैसे अभी लोग क्या बोल देते हैं कि अगर मैंने मान लो मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, या मैंने कोई इस तरह की चीज़ खा ली तो क्या हो गया यार, मेरी कैलरीज तो पूरी हो रही हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने एक वीडियो कल परसों डाली थी, मतलब उसके अंदर मैंने बोला था इफ़ इट फिट्स इन योर मैक्रोस, उसके रिस्पेक्टिव भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर फिर तो 2000 कैलरीज है तो मैं 1500 कैलरीज का पिज़्ज़ा खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट ऐसे कंसेप्ट नहीं होते। यू हैव टू ईट हेल्दी, और कम आपको फैट्स इसीलिए खाने को बोला जाता है क्योंकि उसकी कैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर आप 100-200 ग्राम फैट्स ही इनटेक कर लोगे तो कैलरीज पहले ही बढ़ गई, आप कैसे अपने आप को लीन में लेके जाओगे, लीन करोगे अपनी बॉडी, या कैसे आप अपने आप को अपना फैट लॉस करोगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि कैलरीज अगर बढ़ जाएंगी यू वोंट बी एबल टू रिड्यूस योर वेट और रिड्यूस योर फैट। सिंपल लैंग्वेज में एवरीथिंग दैट वी सी एज अ हेल्दी फूड डजंट मीन्स इट इज़ हेल्दी, आपको कैलरी देखनी ही पड़ेगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूजुअली टेक 20-25% ऑफ फैट्स, ऑफ गुड फैट्स इन योर डाइट, क्योंकि अगर आप पूरी तरह उसको एलिमिनेट कर दोगे, पूरी तरह भी रिमूव कर दोगे, तभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनमें से आपके जॉइंट्स पेन भी एक प्रॉब्लम है, हेयर लॉस भी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो क्वांटिटी को देखो,
और फिर उस पर रिएक्ट करो. ज़्यादा आप फैट्स इनटेक करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम रहेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको भी शेयर करें. आप ही के क्वेश्चंस का आंसर इस चैनल पे हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं. इसी तरह हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें. थैंक यू सो मच. और भी बहुत सारे कंसेप्ट आगे लेके आ रहे हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.